नमस्कार, खबर समेत स्वागत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की विभागीय खेल प्रतियोगिताओं का आगाज हुआ। प्रमुख अभियंता संजय कुमार अंधवान, मुख्य अभियंता भोपाल परिक्षेत्र राजेंद्र कुमार हिरोरिया, विभागीय खेल समिति के शोएब सिद्दीकी और अधिकारी कर्मचारी द्वारा प्रतियोगिता की शुरुआत की गई। प्रमुख अभियंता संजय कुमार अंधवान और समिति के सचिव शोएब सिद्दीकी ने बताया कि यह प्रतियोगिता 15 जनवरी तक चलेगी, जिसमें महिला कैरम, शतरंज पुरुष, महिला बैडमिंटन, महिला पुरुष और क्रिकेट प्रतियोगिता होगी। उन्होंने बताया कि 2 साल बाद यह प्रतियोगिता आयोजित हो रही है। वहीं क्रिकेट प्रतियोगिता में प्रदेश भर के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। 11 ओवर का मैच रखा गया है। हालांकि गेम और रोचक बनाने के लिए एक चैलेंजिंग ओवर भी इस प्रतियोगिता में रहेगा। इस प्रकार के आयोजन से टीम वर्क के साथ काम की भावना होती है। सबसे पहले तो मैं जो हमारी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की जो खेलकूद और सांस्कृतिक समिति है उनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद करना चाहता हूँ कि 2 वर्ष तक हमारे ये खेल के आयोजन नहीं हो पाए हैं, परंतु उनकी जो पूरी टीम है उनकी टीम के द्वारा मुझसे ये चर्चा की गई कि सर ये लगभग 2 वर्षों से अपने खेलकूद और सांस्कृतिक आयोजन नहीं हो पाए हैं, तो इसका आयोजन किया जाए। तो मैंने इनको इस कार्य के करने के लिए अनुमति इसमें प्रदान की है और इसमें अपने जो पिछले वर्षों की भांति हमने यहाँ पे भी अभी 6 खेल को यहाँ पे करने के लिए इसमें अनुमति इसमें प्रदान की है। इसमें क्रिकेट है, कैरम है, चेस है, बैडमिंटन है, रस्साकसी है, तो ये सारे खेल के आयोजन इसमें किए जाएंगे। और जो हमारी क्रिकेट की जो टीम्स हैं तो लगभग पूरे प्रदेश से लगभग 16 टीमें यहाँ पे इसमें भाग लेंगी। और क्रिकेट के गेम को रोचक बनाने के लिए जैसे कि पहले 10 ओवर का गेम हुआ करता था, तो हमने 11 ओवर का इसमें मैच रखा है। और जो आपका 6वां ओवर होगा तो 6वां ओवर अपना सुपर ओवर होगा। सुपर ओवर की विशेषता ये रहेगी कि उसमें जो टीम रहेगी, जो बैट्समैन रहेगा, वो चैलेंज देगा कि मैं इस ओवर में 6 रन बनाऊँगा, और यदि वो 6 रन बना लेता है तो उसको 6 रन एडिशनल मिलेंगे, और यदि वो 6 रन नहीं बना पाता है तो 6 रन उसमें से स्कोर में से माइनस हो जाएंगे। पर बाकी जो उसकी पॉलिसी उस वैसी ही रहेगी कि जैसे आउट हो जाता है तो वो प्रोसीजर वैसे ही रहेगी, तो उसमें कोई पर ये है कि अपने गेम को रोचक बनाने के लिए ये हमने इसमें शामिल किया हुआ है। सर, आज आपने भी कैरम के लिए बड़ा आनंद आया? आनंद तो आया है, और चूँकि कॉलेज के टाइम में जब हम लोग पढ़ते थे तो उस समय चूँकि हम लोग जब हॉस्टल हुआ करते थे तो सारे खेल को खेला करते थे, परंतु जब कार्यों की इतनी व्यस्तता रहती है तो खेलने का टाइम अब यहाँ पे तो नहीं मिल पाता है, और हमको ऑफिस की फाइलों में ही कैरम खेलना पड़ता है। और चूँकि अब हमारे जो स्टाफ के लोग हैं तो खेलकूद से जो सबसे अच्छी भावना ये आती है कि इसमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ साथ काम करने की भावना भी लोगों में पैदा होती है, और टीम वर्क के साथ में काम करने की भावना पैदा होती है। तो इसका जो सबसे जो मूल महत्व और तत्व है वो ये निकल के आता है कि टीम भावना से काम करना चाहिए। तो हम यदि हमारी टीम विजेता होती है तो समझ लो कि हम पूरे सब लोग विजय होते हैं। जी, आज से जो है लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की प्रतियोगिताएँ शुरू हो रही हैं, खेल प्रतियोगिताएँ, जिसमें कैरम, शतरंज, बैडमिंटन और क्रिकेट प्रतियोगिताएँ होंगी। आज से 3 दिन तक जो है पुरुषों की एकल कैरम प्रतियोगिता और शतरंज प्रतियोगिता होगी। 19, 20, 21 को महिलाओं की कैरम और शतरंज प्रतियोगिता होगी। 27, 28 जनवरी को बैडमिंटन की प्रतियोगिता होगी, जो कि कोयफेजा फिटनेस हॉल में होगी पूरी। और 29 तारीख से MBM ग्राउंड पे क्रिकेट प्रतियोगिता होगी, जिसमें पूरे MP की 16 टीमें भाग ले रही हैं। उसके अंदर 10 दिन ये प्रतियोगिता 10 दिन की होगी, पूरी चलेगी। विभागीयकरण, जब से लोगों विभाग के कर्मचारी अधिकारियों को पता चला है कि दोबारा 2 साल के बाद हो रही हैं कोरोना की वजह से कि प्रतियोगिताएँ शुरू हो रही हैं, तो बहुत ही खुश हैं। आप सोचिए कि कैरम के अंदर इंदौर, बाहर से जबलपुर तक से लोग आ रहे हैं कैरम जैसे। शतरंज के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि 20 लोग पास कर रहे हैं, और सिर्फ भोपाल से एक हैं, बाकी सब बाहर के हैं, पूरे MP के हैं। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।